जी हाँ गाइस, वादिय कुम्हराट का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों में होता है। वादिय कुम्हराट पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में वाक़िया है। आज हमने कुम्हराट वैली की दो बहुत ही खूबसूरत और मशहूर जगहों को विज़िट करने का प्लान बनाया। आज हम जाएंगे जहाज़ बंडा और कटोरा लेक। जी हाँ गाइस, इसके साथ साथ अगर आपने कटोरा लेक या जहाज़ बंडा जाना है या कुम्हराट वैली जाना है, कुम्हराट वैली जाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप बाई प्लेन इस्लामाबाद से फ्लाई करें और चित्राल जाके लैंड हो। चित्राल से आप गाड़ी करवा के कुम्हराट वैली जा सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप बाय रोड जा सकते हैं। बाय रोड जाने का तरीका यह है कि इस्लामाबाद से आपने जाना है अटक से नौशहरा, नौशहरा से मर्दान, मर्दान से मलाकंड, एंड देन मलाकंड से आप होते हुए जाएँगे अपरदीर। अपरदीर के बारे में गाइस आपको बताता चलूँ, अपरदीर जो है वो टूरिस्ट का रेस्ट पॉइंट है। मैक्सिमम टूरिस्ट जो है अपरदीर जाके स्टे करते हैं और उसके बाद स्ट्रेट अवे कुम्हराट। इसके अलावा आपको रोड कंडीशन के बारे में बताता चलूँ, शेरंगल एक सिटी का नाम है, शेरंगल तक जो रोड है वो बिल्कुल ठीक है। शेरंगल से आगे थल तक टोटल ऑफ रोडिंग है। शाम को इस्लामाबाद से अपना सफ़र 7 बजे शुरू करने के बाद हम रात को 10 बजे मर्दान रौनक होटल पर खाना खाने के लिए रुके। उसके बाद हमने अपना अगला स्टॉप मलाकंड किया। मलाकंड नाइट स्टे करने के बाद अगली सुबह हमने अपना सफ़र आगे कुम्हराट की जानिब स्टार्ट किया। ट्रैवल करने के बाद हम दोपहर को 3 बजे पहुँचे बाबे कुम्हराट। यहाँ से कुम्हराट वैली का रास्ता कोई तकरीबन 40 किलोमीटर है। हमारे कुछ साथी पीछे रह गए थे, उनके आने तक हमने कुछ वीडियो शॉट्स बनाए, तो आए आपको वीडियो शॉट्स दिखाते हैं, फिर उसके बाद आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। शेरंगल क्रॉस करके हमने थोड़ी सी ऑफ रोडिंग की और फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम स्ट्रेट अवे थल की जानिब बढ़े। 2 घंटे की ऑफ रोडिंग के बाद हम तकरीबन शाम को 6:30 बजे थल पहुँचे। नाइट स्टे हमने थल में करना था और नेक्स्ट डे हमने अपना आगे सफ़र स्टार्ट करना था जहाज़ बंडा और कटोरा लेक की जानिब।